रही है क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के रुड़की के ढंडेरा में आज प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। यहाँ काफी समय से सड़कों पर पानी भरा हुआ था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और यहाँ से गुजरने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कई साल से लोग पानी भरने की शिकायत भी प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज प्रशासन जागा और मौके पर पहुंचा और पाया कि पानी भरने का असली कारण अतिक्रमण है, जिसके बाद प्रशासन टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण किया हुआ था, उन्होंने प्रशासन की टीम से खुद ही अतिक्रमण हटा लेने की बात कहकर समय मांगा, मगर प्रशासन की टीम ने साफ इनकार कर दिया और अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा। दरअसल ढंडेरे में पानी भरने की समस्या कई साल से है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण कर नालों को बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्र का पानी नालों के जरिए निकल नहीं पा रहा था। आज प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाया और नालों की सफाई भी कराई, जिससे अब यहां पानी भरने की समस्या से निजात मिल सकेगी। उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। ये ढंडेरा फाटक डबल फाटक इसको पार करने के बाद पानी रोड पे आ रहा था, जब उसका कारण जाना गया, स्थानीय लोगों की भी डिमांड थी कि पानी का कुछ निस्तारण हो, उसको हम लोग ने कल राजस्व की टीम ने कल निरीक्षण किया था। तो वो एक नाला जाता है राइट हैंड साइड में जो लक्षर हो जा रहा है, उस नाले में लोगों ने अतिक्रमण करा हुआ है। नाला बिल्कुल चौक हो रखा था, उसको खोलने के लिए आज हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। हमने काफ़ी लगभग जो है 10-15 अतिक्रमण हटा लिए हैं और ये जारी रहेगा। इस अभियान में पुलिस प्रशासन और PWD की भी जो जिनकी ये रोड है उनको भी सम्मिलित किया गया। देख रही है क्राइम स्टोरी।